सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे काफ रियली, जो कि ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। आपको इसी बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी साइंटिफिक रीजन है उसको डेवलप करने के लिए डेयरी फार्म को, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है काफ रियरिंग के ऊपर, बछड़ी पालन के ऊपर। जैसे आज की इस वीडियो में काफ रियरिंग बता देंगे, बछड़ी को कैसे किस किस फेज में क्या क्या दिया जाता है, क्लस्टरम फेज क्या होता है, प्रील्यूमिनेंट फेज क्या होता है, ट्रांजिशन फेज क्या होता है, इन सभी तमाम ब्रीड को पालने के लिए, बछिया को पालने के लिए जो भी फेज होते हैं उसमें क्या क्या देने की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि एक अच्छे लेवल की बछिया तैयार हो, अच्छे लेवल की वो पशु बन सके। हालांकि आज के डेट में डेयरी फार्मिंग जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी पशुपालन कर रहे हैं, उनको अपने फार्म पे कहीं ना कहीं ब्रीड तैयार करने की जरूरत है, और आज के डेट में कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। और क्योंकि वो ब्रीडिंग क्या होगी कि वो एक अच्छा प्रॉफिट देगी, जो कि जो भी हम लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, वो सारे को ही जानते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही, तो ब्रीडिंग को क्या देनी होगी स्टार्टिंग फेज में, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छा हो सके, उसकी सारा कुछ इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ब्रीड को तैयार करने के लिए बछिया को इनिशियल में क्या देना होगा, ताकि वो अच्छे लेवल की बछिया बन सके, हाईली मिल्क वाली हो सके। तो इसका कुछ फेज है जो कि उस फेज में इनका ध्यान ज़्यादा दिया जाना चाहिए, ज़्यादा दिया जाता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस फेज में उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी उस काफ की, उस बछिया की। तो सबसे पहले इसकी फीडिंग के ऊपर बात कर लेंगे। फीडिंग के ऊपर, इसको फीडिंग तो क्वालिटी वाली देनी ही होगी। इसकी फेज क्या क्या है, कौन सी फेज में क्या देंगे, फेज ऑफ काफ फीडिंग। सबसे पहले कोलेस्ट्रम फेज के, कोलेस्ट्रम फेज क्या होता है, जो कि इंग्लिश वर्ड है, हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे, हाँ जितने भी जो भी सोशल मीडिया से आज के डेट में जुड़े होंगे वो लोग तो मे भी जानते होंगे कोलेस्ट्रम, लेकिन आज के डेट में ऐसे भी बहुत सारे डेयरी फार्मर्स हैं जो कि जो सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आज भी एक प्रोफेशनल डेयरी फार्म के तौर पे, जैसे कि आज के डेट में एक साइंटिफिक डेयरी फार्म क्या होती है, और एक अभी गाँव में जैसे इन जनरल जैसे चलता है, वो उसमें अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको तो प्रोफेशनल डेयरी फार्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव के क्षेत्र में ऐसे ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जुड़े हैं या वीडियोस नहीं वगैरह देखते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन अभी भी जो लोग का मेंटलिटी है, माइंडसेट है, वो अभी बहुत पीछे की लेवल से ही चल रही है डेयरी फार्मिंग, जो कि गांव में एक दो पशु जो भी लोग रखते हैं जैसे तैसे चला रहे हैं, लेकिन इसकी साइंटिफिक तौर तरीका क्या होनी चाहिए, उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ये सब अगर अप्लाई करेंगे उन पे तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, जो भी अपने डेयरी फार्म पे, अपने पशु पे, अपने गाय भैंस पे, बछिया बछड़े पे, इस सभी पे अप्लाई करेंगे तो काफ़ी बेहतर वो ब्रीड बन सकते हैं, वो गाय हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी भी गाँव में ऐसे ऐसे है जो कि इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैक्सिमम लोगों के पास डेयरी फार्म है, मैक्सिमम लोगों के पास गाय पशु पालते हैं, लेकिन उनका साइंटिफिक तौर तरीका उनको एक हायर क्वालिटी में ले जाने का काम अभी भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा रीजन ये भी है कि सीमन का क्वालिटी नहीं मिल पाता है, सीमन नहीं मिलता है, मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, और जो भी गाँव के क्षेत्र में डॉक्टर रहते हो नॉर्मल सीमन डालते हैं। चलिए ये बातें तो रही कि हाँ कोलेस्ट्रम फेज, पहले मैं बता रहा था कोलेस्ट्रम फेज क्या होता है। तो कोलेस्ट्रम फेज वो फेज होता है जैसे काउ अपने बच्चे को जन्म दी, काफ की जन्म दी, जस्ट उसके बाद जो मिल्क होती है, जैसे हम लोग खीरसा का दूध बोलते हैं या बहुत सारे गांव में जो भी मिल्क बोले, स्टार्टिंग में जो बच्चे को देने के बाद बर्थ के बाद जो मिल्किंग हम लोग निकालते हैं, जो काफ़ी दिनों से नहीं मिल्किंग हुई रहती है, स्टार्टिंग जो मिल्किंग होती है वो कोलेस्ट्रम कहलाती है, वो काफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि उसमें एंटी वो तो काफ को पिलाना ही जरूरी है, पिलाना भी है, इसकी हो सकता है अलग अलग पशु में अलग अलग दिन तक कोलेस्ट्रम निकलती हो, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। खीरसे का दूध जो भी स्टार्टिंग का जो दूध होता है 2-3-4 दिन
जो कि उसमें खिस्सा बन जाती है वो कोलेस्ट्रम फेज कहलाता है। वो कोलेस्ट्रम फेज काफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जो कि काफ को काफ की बॉडी में जाती है और वो डिजीज वगैरह से लड़ने की कैपेबिलिटी होती है और वो काफ़ी उसको लाभ भी देती है काफ की। तो ये हो जाता है कोलेस्ट्रम फेज जो कि 1 to 5 days, 1 to 4 days, 1 to 3 days हो सकता है। अलग अलग पशु में अलग अलग दिन तक वो मिल्क निकलती है और धीरे धीरे वो सही हो जाती है, फ्रेश मिल्क हो जाती है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा मोटा आती है, उसमें खिरसा फटती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो ये कोलेस्ट्रम फेज जो कि जो भी काफ है उसको कोलेस्ट्रम आप 2 to 3 times दे सकते हैं, 2 to 3 days जितने दिन तक है आप उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप 2 liter, 2.5 liter, 2 liter के समथिंग 1 time दे सकते हैं, 1.5 liter, 1 liter जितनी उसकी कैपेबिलिटी हो पीने की वो उतना आप दे सकते हैं। वो स्टार्टिंग की वो 2 to 3 days कोलेस्ट्रम फेज कहलाएगी, वो काफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट प्रील्यूमिनेंट फेज। प्रील्यूमिनेंट फेज मतलब क्या होता है, उसकी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जो भी उसके इसी में उसकी ह्यूमन भी डेवलप होती है। प्रील्यूमिनेंट उसको 5 to 20 or 30 days उसकी मिल्किंग होती है। 4 to 5 liter आप दे सकते हैं अच्छे क्वालिटी की ब्रीड तैयार करने के लिए, जो कि यहाँ पे 4 to 5 liter देते हैं ब्रीड की ह्यूमिनेंट फेज अच्छा होगी। और धीरे धीरे 20 to 22 days के बाद आप उसके साथ लिक्विड भी दे सकते हैं, ड्राई भी दे सकते हैं, यानी कि ट्रांजिशन स्टेज इसको बोलते हैं। 1 month के बाद या 20 to 25 days के बाद आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ट्रांजिशन फीड भी दे सकते हैं, काफ स्टार्टर दे सकते हैं। काफ स्टार्टर क्या होता है, ये सब काफ के लिए ही बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे काफ को तैयार करने के लिए, उसकी जो भी रूमिनेंट होती है उसको डेवलप करने के लिए ये सब तैयार किए जाते हैं। तो काफ स्टार्टर या मिल्क रिप्लेसर भी आती है। अगर आपको लगती है कि मिल्क अगर पशु काफ को ज़्यादा दे रहे थे, मिल्क रिप्लेसर के तौर पे भी मिल्क जैसे ही रहती है, जैसे हम लोग बच्चे को अपने ह्यूमन लाइफ की बात करें, ह्यूमन की बात करें, अपने जो भी बच्चे होते हैं उनको भी अगर उनकी माँ का मिल्क नहीं होती है, दूध नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके जगह पे अदर मार्केट की दूध देते हैं, मार्केट की प्रोटीन देते हैं, मार्केट की जो भी सेयरलेक्स बोलते हैं, अदर कुछ बोलते हैं, सेयरलेक्स हो गया और कुछ वो सब देते हैं। उसी तरह मिल्क रिप्लेसर होता है जो कि काफ के लिए ये भी दिया जाता है, मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर। स्टार्टिंग में जो काफ होती है उसको काफ स्टार्टर दे सकते हैं। हाँ, कितनी देनी है तो आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में 200 ग्राम 500 ग्राम ऐसे करके धीरे धीरे मिक्स करके देनी होगी आपको 1 month तक। उसके बाद है पोस्ट बियरिंग स्टेप, जैसे धीरे धीरे वो चेंज करेगी ड्राई टू फीड में, ड्राई फीड में आपको चेंज कर, जैसे वो मिल्क धीरे धीरे कम करनी होगी और उसको फीड की तरफ भी काफ स्टार्टर ही देंगे हम लोग। जो भी स्टार्टिंग फेज में होती है पशु काफ उसको हम लोग मिल्क 1 month तक तो हम लोग 4 to 5 liter पिलाते हैं और धीरे धीरे 1 to 3 months बोल सकते हैं। और एक्स्ट्रा फर्स्ट 1 month हो गए 4 to 5 liter आपकी जो भी काऊ की मिल्क है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कितनी पिलानी है। ऐसे 4 to 5 liter आप स्टार्टिंग में दे सकते हैं। जैसे सेकेंड मंथ में होती है तो उसको आप एवरेज अगर उतना रखते हैं 4 to 5 liter रखते हैं 1 month और रेगुलर बेसिस पे उसको धीरे धीरे ड्राई भी काफ़ी स्टार्टर भी देते रहेंगे ताकि उसकी धीरे धीरे बॉडी वेट बढ़ते रहे। हाँ, इस ड्यूरिंग ये भी चेक करनी है कि उसकी अप्रॉक्स 300 to 500 ग्राम रेगुलर बेसिस पे वेट बढ़नी चाहिए। तो ये स्टार्टिंग का जो भी काफ होती है उसकी 3 month का प्लान ये होता है कि आप काफ को मिल्किंग भी दें, काफ स्टार्टर भी दें और उसकी बॉडी कंडीशन चेक करते रहें और रेगुलर बेसिस पे 300 से 500 ग्राम अगर वेट गेन हो रही है तो आपकी कंडीशन बेहतर है काफ की और ये एक अच्छे ब्रीड की तरफ जा रही है। तो ये सब तो हुआ काफ की। और इसके बाद जैसे आफ्टर 3 month होते हैं वो हीफर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हीफर जो कि इसकी
डाइट प्लान थोड़ा अलग होती है, इसमें मिल्किंग मिल्किंग कम हो जाती है और इसमें ड्राई मटेरियल्स थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें फिर इनको मिनरल्स देने हो जाते हैं, तो ये सारी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें आप हिफर फेज में मिनरल्स दे सकते हैं, उनकी काफ स्टार्टर जो कि इनके लिए अलग फेज हो जाते हैं, अलग मटेरियल्स बनते हैं, और जैसे जैसे ये आफ्टर 3 मंथ के बाद जैसे ये 12 से 13 मंथ होते हैं, 14 मंथ मैक्स टू मैक्स 15 से 16 मंथ में ये प्रेग्नेंट हो जाती है, 12 से लेकर के 14 मंथ में जैसे 1 साल क्रॉस करती है आपकी ये पशु प्रेग्नेंट हो जाती है, और विद इन 24 मंथ यानी कि 2 साल के अंदर अगर बच्चे को जन्म देती है तो ये बेहतर कंडीशन हो जाती है पशु काफ की। तो चलिए, आई होप थोड़ी बहुत ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो समझ में आई हो, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी साइंटिफिक रीजन है और प्लस जो भी रियलिटी है धरातल पे जो जैसे काम चल रही है उसके ऊपर बात करते रहेंगे।